चले मुझे आज वचन सिखाने के लिए जो वचन दिया उस वचन को निकालेंगे मेरे साथ यिर्मयाह की पुस्तक का 29 अध्याय और पढ़िएगा 11 वचन। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय और उसका पढ़िएगा 11 वचन से। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 29 अध्याय की 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा की क्या है, यह वाणी है। हालेलुया परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा बातें करके ये बात बोल रहा है कि यहोवा की क्या है, ये वाणी है। इसराइली प्रजा जो बेबीलोन की बंधुआई में चला गया था, हालेलुया, उनको परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा बातें करके कहता है कि यहोवा की क्या है, ये वाणी है। जो आज परमेश्वर के वचन हमारे पास में है, ये परमेश्वर की वाणी उसकी आवाज है। हालेलुया हालेलुया। जिस वचन को हम सुनते हैं ये केवल वचन मात्र ही नहीं, बाइबल बताती है परमेश्वर की आवाज उसकी वाणी है। हालेलुया हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का हर वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी बातें लिखा गया है वे सारे बातें परमेश्वर की आवाज उसकी वाणी है। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल बताती है धन्य है जो इस वाणी के वचन को क्या करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसकी लिखी हुई बातों को मानते हैं। जब हम परमेश्वर की आवाज को उसकी वाणी को सुनते हैं तब हम धन्य और आशीषित इंसान। यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर की आवाज परमेश्वर का वचन हमारे पास आते हैं, हमारे जीवन के लिए वचन का प्रचार होता है, तो हमें इस वचन को ध्यान भर के क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। क्योंकि नीति वचन में लिखा है 4:20 में, हे मेरे पुत्र मेरे वचन क्या कर ले, ध्यान भर के सुन और मेरी बातों की ओर अपना क्या कर, कान लगा। हालेलुया हालेलुया। हमें इस वचन को हमेशा ध्यान के साथ सुनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये साधारण नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है। जब एलिया नबी पर्वत पर था और परमेश्वर ने बोला कि तेरा यहाँ क्या काम है, तू यहाँ से चल, और जैसे ही जाने लगा तो मालूम है भयंकर बवंडर उठने लगा, आंधी और तूफान चलने लगा। हालेलुया। और मालूम है जब आंधी तूफान चल रहे थे, बहुत बॉन्डर हो रहे थे, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। हालेलुया। आंधी में देख रहा है परमेश्वर नहीं है, उस बॉन्डर में देख रहे नहीं है, लेकिन मालूम है अंत में एक धीमी आवाज के द्वारा परमेश्वर एलिया से क्या किया, बातें किया। हालेलुया। उस आंधी और तूफान के बीच में परमेश्वर की एक आवाज एलिया के लिए आया। परमेश्वर के लोगों, हो सके आंधी और तूफान जैसे समस्याओं के बीच में भी आपके आप भी होंगे। हालेलुया हालेलुया। इसमें आपको संभलना मुश्किल होगा। हालेलुया। तकलीफें आपके विरुद्ध में होंगे, क्लेश और समस्याएं आपके जीवन में बढ़ते चले जा रहे होंगे, लेकिन मालूम है उस क्लेश में, उन समस्याओं में एलिया को संभालने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मालूम है उस एलिया को उस बड़े बवंडर में संभालने के लिए एक परमेश्वर का धीमी आवाज उसके लिए उठा है। परमेश्वर के लोगों, हमारी परिस्थिति में हमारे संभालने के लिए लोग नहीं आता है। हालेलुया। हमारी बीमारी को चंगा करने के लिए कोई बहुत बड़ा, हालेलुया, वैश्य दर्द या चंगा करने वाला नहीं आता है। हमारे तकलीफों को दूर करने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े सामर्थी लोग हमारे पास नहीं आते हैं, लेकिन मालूम है हमारी बीमारियों को चंगा करने के लिए, हमारे तकलीफों को दूर करने के लिए, हमारे समस्याओं को दूर करने के लिए परमेश्वर की एक धीमी आवाज हमारे पास आता है। हालेलुया। जो वो परमेश्वर की आवाज हमें चंगा करता है, वो परमेश्वर की आवाज जब हम पानी में डूबने लगते हैं हमको संभालता है, जब हमारा जीवन भयभीत रहता है, वो परमेश्वर की आवाज हमको भयभीत होने से बचा लेता है। हालेलुया हालेलुया। जब आंधी और तूफान में
चेले लोग डूबे चले जा रहा था, यीशु बोलता है मैं हूँ, डरो मत। वो लोग चेले लोग यीशु मसीह को भूत समझने लगे थे, लेकिन जैसे ही उस यीशु की आवाज को सुने, मालूम है पतरस कहता है प्रभु यदि सच में तू है तो मुझे पानी में चलने की आज्ञा दे। और मालूम है जब परमेश्वर की आवाज यीशु की आवाज को हालेलुया पतरस सुन लिया, उसके अंदर का डर चला गया, वो पानी में भी चलने लगा है। जो माल में परमेश्वर की आवाज नित सुना करते हैं, परमेश्वर की इस वचन को सुना करते हैं, पढ़ा करते हैं, माल में परमेश्वर उनको डूबने नहीं देता है, अपनी आवाज के द्वारा संभाल लेता है। हालेलुया परमेश्वर के लोगों, यदि आज की इस जीवन की कश्ती आपकी जीवन की नाव है, नाव जो है यदि डूबा चला जा रहा होगा, आपको एक ही चीज संभाल सकता है, वो है यहोवा की वाणी। हालेलुया मेरी आशा टूटने ना दे। चल यिर्मयाह टूट चुका था, वो सोच रहा था मेरा प्रभु मेरा साथ छोड़ दिया है, कोई मुझे संभालने वाला नहीं है, हालेलुया मेरी हालातों को बदलने वाला नहीं है, ऐसे हालात में था, उसकी आशा खत्म हो रहा था, उनके अंदर का विश्वास टूट रहा था। और मालूम है लिखा है यहोवा हे, तब वो कहने लगा हे यहोवा मेरी आशा टूटने ना दे, ना दे। वो टूट चुका था और बोल रहा था कि प्रभु मैं यदि यहाँ से बिखर गया तो मेरा कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मालूम है वो प्रभु से प्रार्थना करके बोल रहा है कि हे यहोवा मेरी आशा टूटने ना दे। हालेलुया जब ये यिर्मयाह टूटने वाला था, टूट चुका हुआ था, और आगे मेरे सताने वालों ही की आशा टूटे, और इसके सताने वाले भी बढ़ चुके थे, और इस सताव के कारण ये पूरा टूट चुका था। अब ये कहता है कि मेरे सताने वालों की भी आशा टूटे, ये मालूम है पूर्ण रीति से निराश हो चुका है, हताश हो चुका है, इसके सताने वाले, इसकी निंदा करने वाला, इसकी बुराई करने वाला, इसके विरोध में बात करने वाला बढ़ चुके हैं, और आगे उन्हीं को विस्मित कर और परंतु मुझे निराशा से बचा, और ये कहता है मुझे विस्मित मत कर, मतलब ये पूर्ण रीति से विस्मित हो रहा है। हालेलुया और कहता है कि मुझे निराशा से बचा, ये पूरा निराशा से भर गया है, क्योंकि इसको केवल अपनी आंखों के सामने समस्या ही समस्या, तकलीफें ही तकलीफें, बवंडर ही बवंडर, तूफान ही तूफान, सताव ही सताव नजर आ रहे हैं इसके चारों ओर। और मालूम है इसीलिए इस यिर्मयाह को मालूम है रोने वाला भविष्यद्वक्ता कहा गया, ये जिंदगी में रोता ही रहा। नव अध्याय के पहले वचन के पढ़ोगे तो मालूम है ये यिर्मयाह ये बात को भी बोला कि भला होता कि मेरे सिर जल जाए और मेरी आंखें, इतना दुख और इतना क्लेश और इतना समस्या में था, कोई इसका संभालने वाला, कोई इसका बचाने वाला नहीं है, ये पूर्ण रीति से इसकी आशा टूट रहा है। हालेलुया ये निराश हो चुका है, विस्मित हो रहा है ये। हालेलुया और इसके साथ साथ इसके जीवन में और क्या था, देखिए उसका शायद 20 अध्याय देखिए और 7 वचन से पढ़ेगा, हे यहोवा तूने मुझे धोखा दिया। और देखो ये प्रभु को बोल रहे, जो प्रार्थना इसने किया है उसके प्रार्थना का रिजल्ट इसके पास नहीं आया है, इसलिए प्रभु को बोल रहा है ये धोखा दिया है तूने मुझे, ये अपने जीवन में धोखा ही धोखा खाया। हो सके परमेश्वर के लोगों से यिर्मयाह की तरह आप भी होंगे, जो आपकी आशा टूट रहा होगा, आपका विश्वास खत्म हो रहा होगा कि मैंने प्रभु से प्रार्थना किया लेकिन प्रभु मुझे चंगा नहीं कर रहा है, मैंने प्रभु से विनती किया लेकिन मुझे छुटकारा नहीं दे रहा है। हालेलुया आपका मन, हालेलुया मेरा कोई संभालने वाला नहीं है, मेरा कोई देखने वाला नहीं है, कल हो सके आपका मन निराश हो रहा होगा, आज विस्मित हो गए होंगे आप, आपके जीवन की कठिनाई में आपके हाथ के पकड़, आपके हाथ को पकड़ कर चलने वाला कोई नहीं है, आप ऐसा बोल करके आज टूट चुके होंगे। यिर्मयाह के बारे में कहता है, और यिर्मयाह कहता है कि मुझे धोखा ना दे, क्योंकि इसने अपने जीवन में धोखा ही धोखा खाया। आज हो सके आप भी, हालेलुया आपको कुछ नहीं मिला होगा इस संसार में धोखा के सिवा। हालेलुया 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 आज आपकी हालात ऐसा होगा, इसमें से बैठे हुए कितने लोग आप निराश होंगे, कितने लोग टूट
चुके होंगे, कितने लोगों का विश्वास आज जाता रहा होगा, आप कितने लोग हालेलुया अपने जीवन में केवल धोखे या धोखा ठोकरे ही ठोकर आप खाए होंगे हालेलुया। और आगे आगे पढ़िए। और मैंने धोखा खाया, हाँ। तू मुझसे बलवंत है, हाँ। इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया, हाँ। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती और है। ये कहता है कि दिन भर मेरी क्या की जाती है, कोई इसका बड़ाई नहीं करता है, दुनिया के लिए भविष्यवाणी करता है यिर्मयाह, लेकिन कोई इसका बड़ाई नहीं करता है, दुनिया के लोगों की बातें को मालूम है ये यूं ही बता दिया करता है, लेकिन कोई भी इसका बड़ाई। हो सके आज आप भी उस निंदा की उस तराई में होंगे, लोग आपका बड़ाई करने वाला नहीं होगा, लोग आपकी इज्जत करने वाला नहीं होगा, आपने अपने जीवन में केवल ठुकरे ही ठुकरे खाए होंगे, लोगों के मुंह से आपके जीवन के बारे में केवल बुराई ही बुराई सुना होगा। ऐसे हालात यिर्मयाह के पास भी है। और आगे भी कहता है, देखिए, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं, लोग आप भी ईसाई हैं प्रार्थना कर रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है करके लोग हो सके आपकी ठट्ठा उड़ाते होंगे हालेलुया। यिर्मयाह का लोग ठट्ठाएं उड़ा रहे हैं, तुच्छ जा रहे हैं, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह तुच्छ जाना गया, लोग उसको ठट्ठा उड़ाते थे, मजाक करते थे, अरे चलो इसको मारते हैं, देखते हैं कि हालेलुया भविष्यवाणी करके जानता है कि नहीं जानता है, बताए गए भविष्यवाणी करके किसने इसको मारा है हालेलुया। लोग मजाक उड़ाते थे, तुच्छ जाने जाते थे, हो सके आप भी उन लोगों में से होंगे आज हालेलुया। और आगे बढ़ने क्या, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार कर ललकारता हूँ, और जब ये बातें करता है ना जोर जोर से बोलता है, ये लोग मालूम है अन्य लोग उसको पागल समझते हैं हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की बातों के ऊंचे शब्द से पुकार कर ललकार कर बोला करता है, लोग इसको पागल समझते हैं। आज लोग भी आपको कई प्रकार से समझता होगा, लेकिन आगे भी उपद्रव और उत्पात हुआ, और इसके जीवन में बोलता था कि उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, हाँ? क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहा। और जितना ऊंचे शब्द से परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं बोल रहे हैं उतना ही लोग इसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं हालेलुया। आज बहुत सारे लोग वचन के प्रति गंभीर नहीं रहते, बहुत सारे लोग वचन को मालूम है ठट्ठा और निंदा में उड़ा देते हैं हालेलुया। यदि परमेश्वर के वचन को ठट्ठा में उड़ा देते होंगे मजाक समझते होंगे तो थोड़ा आज गंभीर हो जाइएगा हालेलुया। यिर्मयाह ऊंचे शब्द से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है लेकिन लोग मालूम है हालेलुया कोई इसके वचन पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज इधर वचन प्रचार होता है लेकिन वचन पर ध्यान नहीं रहता है लोगों का, ठट्ठा में उड़ा देते हैं मजाक समझते हैं आज परमेश्वर के वचन को। यिर्मयाह बोल रहा है इतना मैंने प्रचार किया लेकिन तेरे वचन के कारण लोग बल्कि और मेरी क्या कर रहे हैं निंदा कर रहे हैं। और यदि मैं यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूंगा न उसके नाम से बोलूंगा, ये भाई यिर्मयाह बोल रहे हैं मैं ऐसे यदि वचन का प्रचार न करूं यीशु मसीह के नाम का बात न बोलूं तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता। ये सारे लोग निंदा और ठट्ठा कर रहे हैं लेकिन इसका परमेश्वर का वचन एक आग के रूप में जलता है जो वचन का प्रचार करे बगर रह नहीं सकता है, वचन बोले बगर रह नहीं सकता है, प्रार्थना किए बगर रह नहीं सकता है, भले लोग इसका निंदा करे ठट्ठा करे बुराई करे, ये बोल रहा है कि परमेश्वर की आग वचन रूपी आग मेरे अंदर में इतना धधक रहा है कि उसको मैं रोकने का प्रयास करता हूँ लेकिन रुकता नहीं है, हालेलुया भले लोग मेरी निंदा करे बुराई करे फिर भी मैं वचन का प्रचार करता हूँ हालेलुया। परमेश्वर के लोगों हमारे अंदर में भी यही आग को हम जलाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारे अंदर में कैसे अग्नि ऐसे आग को जलने दे हालेलुया, ताकि हम किसी भी रीति से रुके नहीं परंतु तेरे सुसमाचार का प्रचार करने वाले हो जाए हालेलुया, तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए, तुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाए, तेरी सामर्थ्य से भरने वाले हो जाए। हम कितना भी अपने आप को रोकने का प्रयास करें लेकिन रुके नहीं, हमेशा आगे बढ़ते चले जाए हालेलुया। यिर्मयाह की हालत ऐसे है जितना ये परमेश्वर का काम पूरा करता है उतना निंदा और उतना ही बुराई इसका होते है, ठट्ठा उड़ाया जाते है, इसका निंदाएं होते हैं, इसकी आशा विस्मित हो चुका है, खत्म हो रहा है, टूट चुका है, इसको निराशा ही निराशा मिला है, धोखे ही धोखा मिला है,
हालेलुया। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं, इसको पागल समझते हैं। आज मसीह लोगों के हालत ऐसे, लोग पागल समझते हैं हमको। अरे ये लोग क्या यीशु मसीह करता है, ये क्या बादलों पर आएगा चिल्लाते रहते हैं। हालेलुया, पागल समझते हैं आज लोग। आपको भी बोलता होगा ऐसे हालात यहाँ के पास। और देखिए उसका 14 वचन में भी पढ़िए क्या लिखा है। श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। और यिर्मयाह फिर ये हालातों को देखकर वो कहने लगा, श्रापित हुआ दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और अपने जन्म दिन को धिक्कारने लगा, क्योंकि मुझे निंदा और धोखा के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसके अपने जन्म दिन को धिक्कारने लगा। और आगे, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया वह दिन धन्य न हो। हाँ, तो दिन धन्य न हो, श्रापित बन जाए। आगे, श्रापित हो वह जन जिसने मेरे पिता को यह समाचार देकर उसको बहुत आनंदित किया कि तेरे लड़का उत्पन्न हुआ है। ये अपने आप को कोस रहा है, कौन है मेरे पिता को मालूम है, आनंद की बात बताए कि एक लड़का उत्पन्न हो गया। कोस रहा है ये अपने आप को, अपने जीवन की हालातों को। आज हो सके आप भी अपने जीवन के तकलीफों को, कमी और घटी को, दर्द और पीड़ाओं को, अपने जीवन की समस्याओं को देखकर आज अपने आप को कोस रहे होंगे, अरे क्यों मैं मसीह की आराधना किया हूँ, क्यों मैं हालेलुया मसीह के पीछे चल रहा हूँ, जिसके पीछे चलने से मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे केवल धोखा मिल रहा है, मेरी प्रार्थनाओं का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हालेलुया मेरी आंसुओं का फल मुझे नहीं मिल रहा है, हालेलुया मेरे प्रभु के पीछे चलने से कोई उद्धार का काम मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। और हो सके आज अपने आप को धिक्कार रहे होंगे कि कौन हालेलुया मुझे हालेलुया सुसमाचार सुना दिया, किसके द्वारा मैंने मसीह को जान दिया, जिस मसीह के पीछे चलने से मुझे कुछ नहीं मिला। हालेलुया, ये यिर्मयाह अपने आप को धिक्कार रहा है। हालेलुया, और आगे कहता है 18 वचन पढ़िए, मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए जन्मा। और ये कहता है मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए क्या किया है, जन्मा, इसको केवल शोक मिला है, जीवन में शोक कर रहा है, आंसू बहा रहा है, मालूम है समस्या पर समस्या इसके पास में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि मैं क्यों उत्पाद और शोक भोगने के लिए जन्मा हूँ। और अभी और कि अपने जीवन में परिश्रम, और अपने जीवन में इसने परिश्रम किया और दुख देखूं, और दुख देखूं, और दुख देखूं, और अपने दिन नाम धराई में व्यतीत करूं। और इसका देखो ये दुख देखता है अपने जीवन में हर दिन, दुख और दुख। और इस यिर्मयाह नबी मालूम है और ऐसा जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता है, लोग इसका नाम धराई करते हैं, ऐसे दुख में, ऐसे कष्ट और क्लेश में कौन यिर्मयाह नबी, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता मालूम है, लोगों के लिए चिंता करने वाला, लोगों के लिए आंसू बहाने वाला इंसान, लेकिन इसका सुख ही नहीं लिया जा पाता। हालेलुया, हालेलुया। इसको कोई संभालने के लिए नहीं आता है, इसका कोई आंसू पोछने के लिए नहीं आता है, इसके दुख में हालेलुया, इसके दर्दों को दूर करने के लिए, कोई मरहम पट्टी करने के लिए नहीं आता है, लोग इसकी निंदा और बुराई किया करते हैं। आप जब यिर्मयाह ऐसी दशा में था जब वो टूट चुका था, हालेलुया, यिर्मयाह ऐसी दशा में था जब वो टूट चुका था, और मालूम है जब ऐसी दशा में था तो परमेश्वर ने क्या था मालूम है, उसी को पढ़ेगा 29 अध्याय जो आपने पढ़ा, 17 वचन पढ़िए। यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। अरे यिर्मयाह सुन, तू आज अपने दुखों में करा रहा है, क्लेश में करा रहा है, तू सोच रहा है मेरा प्रभु मेरा सुधि नहीं लेता है, मेरी चिंताओं को दूर नहीं करता है, मेरी बीमारी से मुझे चंगा नहीं करता है। और प्रभु बोलता है मेरा बेटा यिर्मयाह सुन, जब तक बेबीलोन का 70 वर्ष पूरा नहीं होगा तब तक मैं तेरी सुधि नहीं लूंगा और तुझे आंसू बहाना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है, ये बेबीलोन को 70 वर्ष ऐसे ही दुख और तकलीफों में क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। हालेलुया, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी क्या लूंगा, सुधि लूंगा। बेबीलोन को जब 70 वर्ष हो जाएगा ना, जब तू 70 वर्ष तक बेबीलोन में बंधवाई में पड़ा रहेगा, तू बंधनों में पड़ा रहेगा, तब मैं तेरी क्या करूंगा। हम उस यिर्मयाह के तरह हमारे जीवन में 70 साल का दुख नहीं है, लेकिन आज हमारे जीवन में छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे समस्या आ जाते हैं, हम हार जाते हैं। यिर्मयाह को बोल रहा है तू एक या दो दिन देख रहा है,
70 वर्ष तक मतलब अपने जवानी से लेकर अपने बुढ़ापे पर तेरे को समस्या झेलना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है मनुष्य का आयु 70 वर्ष है और यदि बल के कारण क्या हो जाए जीवन का बचपन से लेकर जन्म दिन को ये धिकार है और जन्म दिन से धिकारते मृत्यु का दिन तक प्रभु बोल रहे हैं उस 70 वर्ष तक ऐसा समस्या आएगा उसके बाद में तेरी से दूर होगा। हम आज बोलते हैं आज मुझे समाज बल दे, ताकत दे, चंगा का छुटकारा दे। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको हमको प्रभु ने 2-4 दिन साल महीना भर का दुख दे दिया। हम बहुत बहुत दुख उठा रहे बोलते हैं लेकिन यिर्मयाह कितना साल अपने जन्म दिन को धिकारते से धिकार करके वो अपने मृत्यु का दिन तक मन में धिकारा जा रहा है। हालेलुया। और हम अपने जीवन में बोलते हैं प्रभु बस हमें चंगा का छुटकारा दे, हमें आशी दे, बाकी हमको कुछ निंदा बुराई नहीं चाहिए। प्रभु बोला है मैं तेरा सूदी नहीं लूंगा तेरा सूदी, लेकिन 70 वर्ष बेबीलोन को पूरा हो जाएगा तब तेरा सूदी लूंगा। और आगे और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। और प्रभु कहता है मैं जब तेरा सूधी लूंगा ना तो मैं तुझे वापिस इसी स्थान में तेरे को बंधुआई से छुड़ा कर वापिस ले आऊंगा। ये वायदा ये वचन देता हूँ इसको पूरा भी करूंगा। याद रखना हमारा परमेश्वर वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो बोलता है उसको पूरा करता है। यदि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते उसने आपके लिए वायदे किया आपको कहा कि मैं तुझे चंगा करूंगा छुटकारा दूंगा तुझे आशीष दूंगा वो याद रखना वो बिना पूरा हुआ टगर चलने वाला नहीं। दुनिया उलट पुलट हो जाएगा लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन बिना पूरे हुए चलने वाला। समझ आ रहा है परमेश्वर का हर वायदा हर वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। और यिर्मयाह को कोई बोल रहा है मैं तेरी सूदी लूंगा और जो मैं वायदा कर रहा हूँ ना तुझे छुड़ा कर लाऊंगा उसको मैं क्या करूंगा पूरा भी करूंगा। और उसके बाद 11 वचन में कहता है आगे क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। और तब ऐसे दशा में यिर्मयाह के लिए आवाज है बेटा यिर्मयाह सुन। हालेलुया। हालेलुया। इस दशा में नहीं 70 साल में तुझे हिम्मत देने के लिए कोई नहीं आएगा, तुझे ढांढस देने के लिए कोई नहीं आएगा, तुझे चंगा करने के लिए कोई नहीं आएगा, तेरे आंसू पोछने के लिए कोई नहीं आएगा, तुझे बंधुआई से छुड़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन एक चीज है यदि तू ध्यान देगा ना हालेलुया तो प्रभु का वचन उसको कहता है कि यहोवा की क्या है यहवाड़ी है। सुन ले आज यदि तू मेरी आवाज सुन रहे ना तो जिस आवाज के एलिय्याह सुनकर बवंडर से बाहर निकल गया था यदि आज मेरे शब्द को मेरी आवाज को सुनकर तुम अपने हृदय को कठोर नहीं करोगे परंतु मेरे वचन को अपने हरे कानों से सुनकर अपने हृदय में रख छोड़ोगे ये वचन तुझे संभालेगा ये वचन तुझे बल देगा ये वचन हालेलुया तेरे विश्वास को तेरे जीवन में कमजोर होने नहीं देगा ये वचन रुपया भाव तेरे खान में रहेगा वो हालेलुया तेरी जरूरतों को पूरा करेगा ये वचन रुपया भाव को जब तू सुनेगा ये तेरे हृदय को मन में तमाम भयभीत करने वाले उस डर लाने वाली आत्मा से बचाएगा। हालेलुया। 70 वर्ष के लिए यिर्मयाह के लिए यहोवा की वाणी आया। हालेलुया। यहोवा का वाणी उसकी आवाज यिर्मयाह नबी के लिए आ रहा है। सोचिए इस दुख और दर्द में यिर्मयाह को परमेश्वर बात कर रहा है। याद रखे जब हमारे जीवन में तकलीफें बढ़ते समस्या बढ़ते हमको कोई बात करने वाला नहीं रहता है लेकिन मालूम है एक हमारा सच्चा मित्र हमारा सच्चा परमेश्वर है वो हमको सर्वदा बात करता है। दुनिया साथ छोड़ दी यिर्मयाह का लेकिन परमेश्वर आप भी उसको बात कर रहा है। परमेश्वर के लोगों दुनिया आपका साथ छोड़ दे लेकिन हर समय हर परिस्थिति में परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। हर समय हर परिस्थिति में आपसे बातें करेगा किसके द्वारा इस वचन के द्वारा बातें करेगा। इसलिए मालूम है जितने लोग दुख और कष्ट क्लेश में गुजर रहे हैं जितने लोग कमी और घटी में गुजर रहे हैं हालेलुया
एक बार बोल देना पास्टर साहब आकर मेरे घर में मीटिंग लगाओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर की आवाज आपके कानों में जाएगा, वो आपको संभाल लेगा। हम कई बार अपने जीवन में घटी आ जाते हैं, तकलीफ पे आ जाते हैं, हम मालूम है घटी के कारण हम अपने घर में प्रार्थना नहीं रखते, मीटिंग नहीं रखते, और समझ आता है उसका समय फिर हम संभाल नहीं पाते। लेकिन माल में यर्मिया के पास घटी है, तकलीफ है, समस्या है, आज उसको संभालने के लिए एक ही चीज आया, परमेश्वर की आवाज। आपको संभालने के लिए परमेश्वर की आवाज काफी है। हम गीत गाते हैं, हललिया हललिया, तेरी एक वचन है काफी मेरे हालात, तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, उसकी छाया काफी है हमारे जीवन के लिए। समझ आ रहा है, तेरी परिस्थिति को बदलने के लिए, तेरी हालातों को बदलने के लिए तुझे चंगाई और छुटकारे की जरूरत नहीं है, तुझे परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कई बार अपने हृदय को कठोर कर देते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने ध्यान को नहीं लगाते हैं, इसीलिए मालूम है परमेश्वर हमको ठंडा सुन देता है। परमेश्वर ने अपने वचन को, अपनी आवाज को दुनिया की सबसे चीजों से ज्यादा महत्व दिया, अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को क्या किया है। परमेश्वर के लोगों, यदि तुझे संभाल जाना है, तेरे जरूरतें पूरा होना है, प्रभु तुझे संभाले रखना है, प्रभु तुझे बीमारी के दासत्व से छुड़ाना है, हालेलुया, अभी तेरे छुटकारे का समय नहीं है, वो भी प्रभु कहता है जो कल्पनाएं मैं, और परमेश्वर को कह रहा है, बेटा यिर्मयाह तू सोच रहा है कि मेरे जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट, क्लेश ही क्लेश, आंसू ही आंसू, शोक ही शोक आया है, तू अपने जन्मदिन को भी धिक्कार रहा है, तू अपने जीवन में मैं परिश्रम किया कभी भलाई नहीं देखा, तू बोल रहा है, हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है कि बेटा यिर्मयाह, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैंने तुम्हारे विषय किया है, यिर्मयाह को प्रभु बोल रहा है, मेरे बेटे यिर्मयाह, कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय किया है उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं क्या कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, और आगे वे हानि की नहीं, और वो तेरी हानि के लिए नहीं है, ये निंदा ठट्ठा की बातें, हालेलुया, तेरी कमजोरी, तेरा घाटी, तेरा परेशानी, तेरा बीमारी, तेरा रोना, तेरा शोक करना, तेरा परिश्रम करना, तुझे निराशा की अवस्था में चले जाना, ये भी तेरी हानि के लिए नहीं है, हालेलुया। जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में किया है उन्हें मैं जानता हूँ, हानि के लिए नहीं वरन कुशल ही की है, और परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए सोचा है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, वो तेरी हानि के लिए नहीं, तेरी कुशल, तेरी भलाई के लिए, हालेलुया। तेरे जीवन में तकलीफें भी आते हैं ना, वो तेरी हानि के लिए नहीं, तेरी भलाई के लिए, और बाइबल बताती है परमेश्वर हमें उतना ही दुख देता है, उतना ही परीक्षा, उतना ही तकलीफ आने देता है जितना हम सह सकते हैं, जितना हम सह सकते हैं उतना ही तकलीफ हमारे पास देता है, और जहाँ हमारे पास आसानी हो जाता है जब हम सह नहीं सकते हमारे पास, हालेलुया। और प्रभु जानता है मेरा बेटा और बेटी सह सकता है, सहने के लिए प्रभु ने आपको आत्मा की सामर्थ दिया हुआ है, बल और ताकत दिया हुआ है, और यदि आप नहीं सह सकते तो याद रखना दुनिया के सबसे कमजोर इंसान आप ही हैं, और परमेश्वर का आत्मा आपके पास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा अपने लोगों को बल देता है, हालेलुया। यदि आप दुख और कष्ट क्लेश को झेल नहीं पा रहे हैं तो याद रखे आपके अंदर में वो परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश अभी तक नहीं है, और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु तू मुझे आत्मा की प्रकाश और आत्मा की सामर्थ बल मुझे दिया, वो हम छोटे छोटे बातों में टूट जाते हैं, हम आपको प्रभु चंगा नहीं कर रहे, हमारी जरूरतें पूरा नहीं कर रहे, हमको संभाल नहीं रहे, हमारा कोई देखभाल नहीं कर रहा है, ये बात यदि तेरे मन में है तो समझ लेना तू बहुत ही कमजोर है, तेरी शक्ति बहुत ही कम है, समझ आ रहा है।
तेरा शक्ति बहुत कमजोर हो चुका है, तेरा विश्वास क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और प्रभु कहता है यदि तेरा विश्वास एक राय के दाने के भी बराबर होगा ना, तो समस्या का पहाड़ को भी तू बोलेगा वो टल जाएगा। समझ आ तेरे अंदर के प्रार्थना करने के बावजूद भी, हालेलुया प्रार्थना करवाने के बावजूद भी तेरा छुटकारा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तेरे अंदर विश्वास नहीं है राय के दाने के बराबर। यदि तेरे अंदर विश्वास रहता ना तो प्रभु पहाड़ को भी हटाने वाला परमेश्वर है, समुद्र को दबाव करने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग का द्वार खोलकर वो वर्षा करने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग के द्वार खोलकर आग उतारने वाला परमेश्वर है, वो हालेलुया वो 10 बड़े विपत्ति 10 बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड हालेलुया ये भी कर सकता है। समझ आ रहा है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन तेरा शक्ति बहुत हम अपने आप को देखे आज, प्रभु ने आपको इतना दुख नहीं दिया जिसको आप सह नहीं सकते, सह सकते हैं आप। आपके जीवन के प्रति आपके से बढ़कर परमेश्वर जानता है आपके जीवन के बारे में। हालेलुया यिर्मयाह के जीवन में इतना दुख आया, इतना तकलीफ आया, फिर भी बोलता है मेरे अंदर परमेश्वर की एक वचन की ऐसी आग भड़कता है जो मुझे कभी, मैं रोकना चाहता हूँ लेकिन रुकता नहीं है। हमारे अंदर में परमेश्वर की सामर्थ और उसके प्रति विश्वास हमारे अंदर इतना धड़कना चाहिए कि हमें मालूम है परमेश्वर के उस मार्ग में चलने से कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई निराशा, कोई समस्या रोकने ना पाए। यिर्मयाह के जीवन में इतना तकलीफ है, लोग इतना इसका बुराई करते, इतना ठट्ठा उड़ाते हैं, फिर भी वो रुकता नहीं है। क्यों? मालूम है क्योंकि परमेश्वर की आग उसकी सामर्थ उसके अंदर से अवतार होता है। यदि तेरे अंदर भी परमेश्वर के प्रति विश्वास जलता रहेगा, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आपके अंदर धधकता रहेगा, तो कभी निराश नहीं होगा, कभी रुकेगा नहीं समस्या को देखकर, कभी तकलीफों को देखकर तू मालूम है एक जगह स्थिर नहीं हो जाएगा, तू आगे बढ़ेगा। हालेलुया हालेलुया। यदि तू रुक गया आज समस्या को देखकर, तकलीफों को देखकर तू आज स्थिर हो गया, तो समझ लेना तेरे अंदर मसीह का आग अब जल नहीं रहा, बुझ गया, धुआं दे रहा है वो। और बाइबल बताती है धुआं देती बत्ती को ना बुझाओ, फिर से आग लगा उसमें, फिर से अपने अंदर का विश्वास को जगाइए, फिर से प्रार्थना करने के लिए उठ खड़े हो जाइए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, वचन को सुनिए। समझ आ रहा है? वो परमेश्वर की आग फिर से आपके अंदर चलेगी। हालेलुया। क्योंकि यिर्मयाह किन दुखों में, यिर्मयाह किन कष्टों और क्लेशों में, दूसरा कुछ नहीं आया, तेरे दुख में, तेरे बीमारी में, तेरे कष्टों और क्लेश में पास्टर तेरा साथ नहीं देगा, दुनिया का लोग तेरा साथ नहीं देगा, एक ही है तुझे संभालेगा, वो परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज तुझे संभालेगा। तू परमेश्वर की आवाज को सुन, परमेश्वर तेरे जीवन के प्रति क्या रखा है। प्रभु कहता है परमेश्वर की यह वाणी है कि जो कल्पनाए मैंने तुम्हारे विषय किया उन्हें मैं जानता हूँ, हानि के लिए नहीं, मेरे क्या है दूसर के लिए है। हालेलुया। और आगे क्या कहता है? और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में मैं क्या करूंगा? हालेलुया। यिर्मयाह को इतना कष्ट और क्लेश के बारे बता, इसका जीवन भरा हुआ है, बीमारी तकलीफ समस्या इसके पास है, और यिर्मयाह को जब प्रभु बात किया ना तो बोलता बेटा तेरे पास जो कुछ हो रहा है ना ये तेरी हानि के लिए नहीं है, तू क्यों सोच रहा है मैं मर जाऊंगा, तू क्यों सोच रहा है मेरा जीवन अब खत्म होने का समय आ गया है, तू क्यों सोच रहा है अब मैं आगे बढ़ नहीं सकता, तू क्यों सोच रहा है मैं आगे कार्य नहीं कर सकता, तू क्यों सोच रहा है मेरे आगे का भविष्य नहीं बन सकता। परमेश्वर बोलता है बेटा कि सारे तकलीफ तेरी हानि के लिए नहीं है। जब एक सुना आग में तप तप कर उसको जब बाहर निकाला जाता है तब खरा सोना बनता है। हालेलुया। अपने जीवन को देखिए, यदि किसी भी प्रकार का खोटापन आपके जीवन में होगा ना, आपको प्रभु विश्वास योग्य बनाने के लिए, आपको अपने कलिश्य के प्रति, अपने लोगों के प्रति, आपको अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनाने के लिए ये समस्या भेज रहा है। आप जब खरा निकलेंगे मालूम है सोना बहुत कीमती बन जाता है।
परमेश्वर के लोगों, समस्या आपके हानि के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके आनंद और शांति के लिए। एक वचन में लिखा है, तुम आज रोओगे, शोक भी करोगे, क्लेश भी होगा, लेकिन तुम्हारा सारा शोक और क्लेश आनंद एक दिन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। परमेश्वर तेरे हानि के लिए नहीं, तेरे भलाई के बारे में सोचा है, तेरे जीवन में आनंद और शांति देने के लिए, तेरे जीवन में छुटकारा देने के लिए सोचा हुआ है। समझ आ रहा है? लेकिन इस दशा जब यिर्मयाह घटी है, जब निंदा कर रहा है लोग इसका, जब इसका बुराई कर रहा है, यिर्मयाह निराश हो चुका है, लोग इसको पागल समझते हैं, चक्का उड़ाता है, इसकी तकलीफें इसके जीवन से जा नहीं रहे, इसकी बीमारी इसका चंगा नहीं हो रहा है। ऐसे हालात आपके पास होगा, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर की आवाज आकर बोलता है, बेटा मैंने जो कुछ तेरे लिए सोचा है ना, तेरी भलाई के लिए ही सोचा है। और आगे ये परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, लेकिन दूसरा बात हललिया यिर्मयाह को प्रभु अंत में बोलता है कि अंत में तेरी आशा क्या होगी। हम भी अपने बारे में सोच के रखते, प्रभु मुझे ये बनना है, ये काम करना है, तेरी सेवा करना है, चर्च के लिए काम करना है, पैसे डालना है, भेंट देना है, खर्च करना है, प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाना है, हमको बीमारी से चंगा होना है, हम बहुत कुछ अपने बारे में सोच के रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, भी सोचा है। हालेलुया, ये सारे दुख और कष्टों से बढ़कर वो मालूम है यिर्मयाह ने एक बात सोचा था, वो कहता है भला होता कि मैं अपने लोगों के लिए क्या करता, रोता रहता बस। उसका एक सोच है कि मैं मेरे लोगों के लिए रोऊंगा, मैं मेरे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे लोगों के लिए आंसू बहाऊंगा। उसके एक इच्छा नहीं है कि मैं जाकर प्रचार करूं, वो बस ये बोल रहा है मेरा इच्छा है कि मैं प्रभु तेरे पास बैठकर उनके लिए प्रार्थना करूं। इसीलिए कहता है भला होता मेरा सिर जल जल हो जाए, मेरी आंखें आंसू का सोता हो जाए, ताकि मैं मेरे मारे के लोगों के लिए क्या करता। यिर्मयाह की इच्छा है, लेकिन मालूम है यिर्मयाह के अंदर एक ऐसा आग जलता है, जब लोग निंदा और बुराई करता है तो भी वचन प्रचार करने से रुक नहीं सकता है, प्रचार करता है वो, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है कि यिर्मयाह प्रार्थना ही नहीं करेगा, वचन का प्रचार भी करेगा। समझ आ रहा है? और जब ऐसे दशा में आया, और मालूम है यिर्मयाह ने जो कुछ सोचा है उसको बोल रहा है, मैं बेटा अभी तेरा इच्छा पूरा नहीं करूंगा, अंत में क्या करूंगा, अभी तेरे इच्छा का, तेरे चंगाई छुटकारा आशीष पाने का समय पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया, अंत में मैं तेरी इच्छा क्या करूंगा, अंत में करूंगा मतलब उसके बारे क्या करना पड़ेगा। को प्रभु क्या बोल रहा है, बेटा जितना ठट्ठा और निंदा की बातें तेरे विरुद्ध हो रहा है ना, जितना क्लेश से तू गुजर रहे ना, इसमें मालूम है तुझे मेरी इच्छा पूरा करना पड़ेगा, और अंत में मैं तेरी इच्छा तेरी आशा क्या करूंगा। समझ आ रहा है? आज मैं यही बात बताना चाहूंगा, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति किए गए कल्पनाएं, उसकी वायदे हमारे जीवन में पूरा होगा उसने, और हमने जो सोचा है उसको भी वो पूरा करेगा। लेकिन उसके पहले परमेश्वर कहता है, जब लोग तेरी निंदा करता है, जब लोग तेरी बुराई करता है, तो क्या हम प्रभु से पूछते हैं, इस जगह में प्रभु जब लोग मेरी निंदा और बुराई कर रहे हैं, तेरी इच्छा क्या है इस जगह में? जब हम बीमारी में रहते हैं, हम प्रभु को पूछते हैं, प्रभु क्या तू मुझे चंगा करना चाहता है कि नहीं चाहता है, तेरी इच्छा क्या है? जब हम कष्ट और क्लेश में रहते हैं, क्या हम प्रभु से पूछते हैं, क्या प्रभु एक कष्ट और क्लेश को तू दूर करना चाहता है या मेरे जीवन में रखना चाहता है? जब हमारे जीवन में घाटी आ जाता है, क्या हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु एक घाटी में मेरे लिए रहना भला है कि हालेलुया एक अच्छा जरूरतों को पूर्ति करने के बाद रहना मेरे लिए अच्छा? क्या हम उसमें प्रभु की इच्छाएं को देखते हैं? क्या हम प्रभु के हालेलुया हालेलुया प्रभु हमारे जीवन के प्रति जो इच्छा रखा है, क्या हम उस इच्छाओं को पूछते हैं प्रभु के पास? यिर्मयाह को प्रभु बोल रहा है, बेटा जितना तोले तेरा लोग निंदा और बुराई कर रहा है, तुझे इस दशा में मेरी इच्छा पूरा करनी पड़ेगी। तेरे घाटी के समय में परमेश्वर की इच्छा पूरा करना पड़ेगा। सारपत की विधवा घाटी के समय यिर्मयाह की इच्छाओं को पूरा किया, मालूम है क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेजा है। सारपत की विधवा को आज्ञा दिया गया है, उसने आज्ञा देखा देखे पड़ेगी राजा की पुस्तक पहला राजा, और उसका पढ़िए 17:8
पढ़िए 17 का 8। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हाँ, तब एलिय्याह के पास यहोवा का वचन पहुंचा। चलकर सीदोन के हाँ सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सारपत नगर में जाना और वहीं रहना। सुन, मैंने वहीं एक विधवा को तेरे खिलाने के की आज्ञा दी है। ये विधवा को किसने आज्ञा दी है? एलिय्याह को प्रभु बोल रहा है, तू सीदोन के सारपत में जाना और वहाँ की मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए क्या किया है। विधवा को आज्ञा दिया गया है परमेश्वर का, और मालूम है जब उसके जीवन में घाटी है ना, कमी और घाटी है, उसके पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैदा थोड़ा सा तेल है, रोटी बनाएगा खाएगा, उसके बच्चे लोग मर जाएगा बोल रहे हैं। लेकिन मालूम है जब एलिय्याह आया बोला कि मुझे लिए पानी लेकर आना, जाते समय बोलते हैं थोड़ा रोटी भी आना। वो बोलता है मेरे पास थोड़ा सा तेल थोड़ा सा रोटी है, हम बनाएंगे खाकर क्या जाएंगे। मालूम है फिर भी लिया बोलता है पहले मेरे लिए लेकर आओ। और सारपत की विधवा को प्रभु ने आज्ञा दिया है कि तू मेरे दास के लिए आकर रोटी खिलाएगी। और उस कमी और घटी में अपने मृत्यु के समय में सारपत की विधवा अपनी नई परमेश्वर की इच्छा को पूरा की। समझ आ रहा है? आप अपने घटी के समय में जब प्रभु बोलता है तेरे पास 100 रुपए डाल दे बैंक में, तेरे पास 10 बजे डाल दे बैंक में, हम क्या देखते हैं, क्या परमेश्वर की इच्छा को रखते हैं। हम अपने घटी के समय हम केवल हमारी इच्छा क्या करते हैं। अपने घटी के समय में सारपत की विधवा को जब प्रभु ने आज्ञा दिया तू हाले ले खा चाहे ना खा, मेरे दास को तेरे को खिलाना पड़ेगा। और मालूम है सारपत की विधवा अपनी इच्छा में नहीं है, वो प्रभु की इच्छा को क्या किया। हमको भी प्रभु आज्ञा दिया रहता है इन कमी और घटी में हमको क्या करना है, हम कभी पूछते नहीं प्रभु हमको क्या करना है। हालेलुया, जब मेरे जीवन में घटी हो जाता है ना, मेरे पास जो कुछ रहता है मैं सब कुछ परमेश्वर के लिए देता हूँ। हालेलुया, मेरे घटी के समय की बात बता रहा हूँ। सारपत की विधवा के जीवन में जब घटी हो गया वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा। हालेलुया, हालेलुया, हमारे जीवन पौलुस जब परमेश्वर की सेवा कर रहे, यात्राएं कर रहे, सुसमाचार ऊपर सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को, और मालूम है उसके जीवन में शैतान जब उसको घूंसे मारता है वो प्रार्थना किया प्रभु मुझे इससे तो चंगा कर दिया। बहुत सारे प्रार्थना भलाई के लिए क्या होगा बोला होगा, प्रभु मेरे को तेरे सेवा करने जाने में तकलीफ होता है, मेरे को तेरा और भी अभी सेवा कर रहे हैं तेरे लिए ही, मुझे यह मालूम है तेरा सेवा को करने के लिए मुझे चंगाई की चंगा मुझे चंगा कर दे। पौलुस बोल रहा है, लेकिन प्रभु उसको बोलता है 3 बार जब पौलुस प्रार्थना किया कुछ नहीं, और प्रभु बोलता है बेटा मेरा अनुग्रह तेरे लिए। हम एक बार प्रार्थना करते हैं अपनी बीमारी के लिए, 2 बार प्रार्थना करते हैं, आज मालूम है लोगों ने हजारों बार उसी विषय के लिए प्रार्थना करा है कुछ नहीं हुआ, फिर भी प्रभु को बोल रहे हैं चंगा कर। हालेलुया, पौलुस के पास परमेश्वर की इच्छा गए, बेटा मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, होता है ये बीमारी से तू मरेगा नहीं, ये बीमारी ये कष्ट क्लेश तेरे को हालेलुया मेरी उपस्थिति से तुझे अलग नहीं कर पाएगा। और इसी बीमारी में रहकर तुझे मेरी सेवा करना है। हमारे जीवन में बीमारी ठीक नहीं होता है ना, हमको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम बीमारी और कष्ट और क्लेश में रहकर मसीह की आराधना करें, मसीह की सेवा पूरा करें, हम मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहे अपने दर्द में अपने पीड़ाओं में अपनी तकलीफों में रहकर। हालेलुया, हालेलुया, समझ आ। आज हम क्या जब मेरा हाथ कटा मालूम है कई दिन तक हम विजिट करने जाना नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ना मेरे घर में, हालेलुया मेरे घर में नमक लाने के लिए पैसे नहीं। जब मेरा हाथ कटा ना पैसे नहीं, मैं जाऊंगा नहीं काम करने के लिए, कौन देगा मेरे को, जाऊंगा नहीं मैं प्रचार करने के लिए, कौन है मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए। और कई दिन हमारे पास ऐसे पैसे नहीं,
बोला लिया। मैं बोला प्रभु यदि मैं आज तेरा काम नहीं कर पा रहा मेरे पास इतना आ गया। हालेलुया हालेलुया। सोची और मैं उस जवान सोच रहा था कि प्रभु मैं ये काम क्यों नहीं किया, इतना घटी आ गया और मैं इतना दुख। जब हम प्रभु का काम नहीं करते वो प्रभु देखता है कि इतना सारे लोग नाश हो रहा है, इतना सारे लोग मारे जा रहे हैं, उसको प्रभु को इतना दुख होता होगा जब हम काम करने नहीं जाते, जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं जाते। हालेलुया। और मैंने प्रभु को बोला प्रभु मेरे काफी दर्द से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे इसमें हालेलुया मेरी जरूरत पूरा हो या ना हो मुझे पहले तेरी सेवा करनी चाहिए। और इसमें मुझे अंदर ही अंदर बात कर रहा था प्रभु तेरा जीवन में थोड़ा घटी आ गया, तू सोच रहा है कि मेरा जीवन मेरी जीवन में घटी आ गया, लेकिन प्रभु बोल रहा था मुझे अंदर से मालूम है कि देख बेटा जब तुम लोग ऐसा प्रचार करने के लिए नहीं जाते, सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं जाते, मेरा हृदय उथल पुथल हो जाता है क्योंकि एक एक दिन में लाखों हजारों लोग मारे जाते हैं, नरक के भागीदारी बन जाते हैं उनके पास से सुसमाचार नहीं पहुंचता। फिर मेरा हाथ सूजन था मालूम है, सूजन था मैं बोला मैं वेट कर जाऊंगा, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाने कुछ नहीं, मैं मालूम है आज मैं मालूम है सुसमाचार सुनाने के लिए जैसे ही प्रचार करने के लिए गया, मैं ऐसे हाथ में गया और मेडिकल से दवाई लिया सूखने के लिए, और मैं किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं है सूखे जाते और मालूम है वो टेबलेट सूखने के बस टेबलेट दिया खाया, बाकी कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, उससे में क्या हुआ। और सूजन था क्या था सब मैं बोला मैं प्रभु तेरा काम हम प्रभु की इच्छा को नहीं देखते, हम दर्द सिखाओगे, हम केवल बोलते हैं हमको केवल चंगाई चाहिए छुटकारा चाहिए छुटकारा चाहिए। मैं बोला प्रभु को तू चंगा कर या ना कर, अब मेरे को तेरा सेवा करने के लिए जाना है तो जाना, मेरे हाथ का दर्द महत्वपूर्ण है। जब यीशु मसीह को 40 कोड़े मारने के बाद जब उसका शरीर से लहू बह रहा है और वैसी हालत में क्रूस को उठा के लेके जा रहा है, मार खाने के बाद यीशु मसीह क्रूस को उठा के लेके जा रहा है, हम थोड़ा सा दर्द और तकलीफ में हम मसीह के साथ नहीं चल सकते, हमारे शरीर में दर्द और तकलीफ आ जाते हैं, हम एक घंटा प्रार्थना करना हमको मुश्किल हो जाता है, हम प्रभु के पास 3 घंटा आराधना करने के लिए बैठना मुश्किल हो जाता है, क्यों हम दर्द में तकलीफ में। अरे यीशु मसीह आप यार मेरे दर्द और तकलीफ में रहकर हालेलुया उतना वजनदार क्रूस को उठा करके लेकर गया, जैसे मेरे प्रभु की इच्छा के लिए अपने हाथ बढ़ाया मैं वहां चलाना चालू किया। हालेलुया मेरे हाथ बहुत जल्दी चलना चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि मैं खाना पीना नहीं, मैं जा रहा हूँ लोगों के पास, लोग पास हर दिन मेरे को चाय दे रहा मीठा पकता है, लेकिन मालूम है मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, चाय दे रहे पी रहे हैं मालूम है, उसके बाद हर दिन टमाटर खाओ खट्टा खाओ कुछ सब खाने के बावजूद भी कुछ नहीं। हम जब प्रभु के काम करते हैं ना प्रभु हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, हम अपने हमारे घटी में परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहिए। पौलुस अपने बीमारी में फिर परमेश्वर की इच्छा पूरा किया और प्रभु को प्रभु ने जब उसको बोला कि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में क्या होगा सिद्ध होगा, तो मालूम है आगे पौलुस फिर से शक्तिशाली रीति के साथ परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। हालेलुया परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। जब हम निराश हो जाते हैं लोग हमारे विरुद्ध में सताव करते हैं हमारे ऊपर तकलीफ भी तकलीफ रहते हैं, हम क्या बोलते हैं प्रभु का इच्छा है बेटे बेटे जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी लोग निंदा और बुराई करेगा तो क्या रहना आनंदित और मगन होना, प्रार्थना में बने रहना आराधना में बने रहना, जो लोग तुझे सताते उसको आशीष देना हालेलुया, जो तेरी निंदा करते उसके लिए प्रार्थना करना, लेकिन हम करते नहीं है परमेश्वर की इच्छा को। हालेलुया वो मेरे को ऐसा बोला है वो मेरे को ऐसा बोला है, हम इस बात से लगे रहते हैं, प्रभु ने बोला है बेटा ऐसे समय में तुझे आनंदित और मगन होने की जरूरत है कि किसी बीच में तेरे स्वर्ग में प्रतिफल मिलता है। हालेलुया हमारे जीवन की हर हालात में हमें परमेश्वर की इच्छा पूरा करने की जरूरत है। मेरी मैया को भी बोला जा रहा है बेटा मैं तेरी आशा तो लास्ट में पूरा करूंगा, लेकिन उसके पहले तुझे मेरी इच्छा पूरा करना पड़ेगा। आज यहाँ बैठे लोग तेरी इच्छा क्या होगा, तू चंगाई पाना चाहता होगा, यहाँ बैठे लोग तू निराशा से बाहर रहना चाहता होगा, यहाँ बैठे लोग तू सताव से बचना चाहता होगा, यहाँ बैठे लोग तू शत्रु से छुटकारा पाना चाहता हो, प्रभु सब देगा, लेकिन उसके पहले तू कुछ मेरे जीवन के प्रति परमेश्वर की इच्छा
उसके पहले तुझे परमेश्वर की इच्छा पूरा करना पड़ेगा। यहाँ बैठे लोग, परमेश्वर ने देखो आपको क्यों बनाया, क्यों चुना, क्यों हालेलुया आपको आराधना करने के लिए लेकर आया। आप अपनी इच्छाओं में जीवन जी इसलिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। देखिए यशायाह 43 अध्याय 7 से पढ़िए। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। क्यों बनाया है प्रभु ने आपको? हालेलुया। क्यों बनाया है? बाइबल बताती है अपनी महिमा करने के लिए बनाया और रचे गए, प्रभु की महिमा उसकी आराधना करने के लिए बनाए और रचे गए। और देखे क्या आज हम अपने दर्द में, हम अपने कमी में, हमारी घटी में, हमारे हालेलुया कष्टों और क्लेश में, क्या आज हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? अय्यूब को देखना, जब सारे बच्चे मारे गए, अब पत्नी विरोध में है, कोई धन संपत्ति पशु पालन भेड़ बकरी उसका नहीं बचा, सब नाश हो गया, और मालूम है उस दशा में अय्यूब परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया अय्यूब ने। क्या हम परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या हम अपने दर्द अपने तकलीफों में परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या हम अपने समस्या के बीच में प्रभु यीशु के नाम ऊंचा उठाते हैं? हालेलुया। क्या जब हमारे हाथ और पैर बंधे रहते हैं, क्या हम परमेश्वर की आराधना पौलुस से और सिलास की तरह करते हैं? प्रभु ने आपके और मेरे जीवन के प्रति उसका एक इच्छा है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। और बाइबल बताती है जहां परमेश्वर को महिमा मिलता है ना, उस जगह में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होता है। तेरे बीमारी में, तेरे कमी और घाटी में तू सबसे पहला परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर, और जब तक तू परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करेगा, तेरी आशा पूरा नहीं होगा। प्रभु कहते हैं सबसे पहला मेरी इच्छा पूरा होगा। प्रार्थना करना, जब यीशु मसीह सिखाया ना, तो कहना कि हालेलुया जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर पहले तेरी इच्छा पूरा हो, बाद में हमारे जीवन में सबसे पहला परमेश्वर की इच्छा पूरा करना पड़ेगा। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि उसने हमको बनाया इसलिए कि हम प्रभु की महिमा करें। हम अपनी कमी और घटी में, हम अपने दर्द और पीड़ाओं में, अपनी निराशा में, अपनी निर्बलताओं में, सताव में, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को महिमा करें। हम हर परिस्थिति में उसकी आराधना करें, हम हर परिस्थिति में उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हम अपने दर्द में प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं कि प्रभु ने मुझे दिया, प्रभु का नाम क्या माना है। हमारे कमी और घाटी में हमारे पास जो कुछ है प्रभु का दिया है, प्रभु के लिए जाने दे। प्रभु को जब महिमा मिलेगा ना, प्रभु काम कर पाएगा। बोला जा रहा है परमेश्वर की आवाज इसके पास आया और ये दिमाग बोलते हैं, बेटा तुझे इस दशा में मेरी इच्छा तुझे पूरा करना है। जब लोग के बातों में तू निराश हो चुका है, तो भी तुझे मेरी इच्छा पूरा करना है। अब्राहम निराश था, टूट चुका था, और प्रभु उसको बोलता है कि बेटा अब भी तुझे मेरी उपस्थिति में चलना फिरना और अब्राहम क्या किया? प्रभु के नहीं बोला प्रभु अब बहुत हो गया, फिर से प्रभु की उपस्थिति में चलना चलना। आपको भी प्रभु बोल रहा है मेरे बेटे और बेटी तुझे मेरी उपस्थिति में चलना है, तुझे सबसे पहला मेरी काम करना है, तुझे मेरी आराधना करना है, तुझे मुझसे प्रार्थना करना पड़ेगा, तुझे आत्मा सच्चाई के साथ आराधना करना पड़ेगा, तुझे लोगों को सुसमाचार सुनाना पड़ेगा, लोग सताएगा तो भी तुझे सहना पड़ेगा, तुझे दर्द और तकलीफ में रहकर तुझे हालेलुया उच्च शब्द से मेरी आराधना करना पड़ेगा। जब ऐसा करेगा फिर लास्ट में मैं तेरी इच्छा पूरा करूंगा। हम आज परमेश्वर की आराधना के पीछे बहुत पीछे में है। हमको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, लेकिन हम एक क्षण हम प्रभु को महिमा देना नहीं चाहते। हमारे पास ज्ञान आ जाता है, बहुत ज्यादा ज्ञान बढ़ जाते हैं, हम अपने घमंड में, अरे मेरे पास बहुत ज्ञान और बुद्धि आ गया है, हम बोलने चालू कर देते हैं। लेकिन प्रभु कह नहीं बोलते, प्रभु ने दिया, प्रभु इस ज्ञान बुद्धि में तेरी महिमा की। हालेलुया। हमारे पास बल आ जाता है, हम बोलते हैं अरे ये बल अब मुझे मालूम है इतना बड़ा प्रभु ने बल दे दिया, अब मेरे को जाना है, कमाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे,
तेरे को शरीर में प्रभु ने बल दिया ना, तो मालूम है जम्मू काश्मीर जाने के लिए नहीं, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए, प्रभु के चर्च में काम करने के लिए, भवन में हालेलुया भवन के लिए कार्यकारी हो जाने के लिए दिया है। हालेलुया। हम एक बात यस लॉर्ड वचन में लिखा है देह के द्वारा प्रभु की क्या करो। देखे आज हमारे शरीर में बल रहने के बावजूद हमने प्रभु के लिए काम किया कि नहीं? हमने अपने लिए बहुत किया, हमने अपनी महिमा लिया, लेकिन प्रभु को कोई नहीं माना। परमेश्वर के लोगों, तेरे जीवन के हर दशा में प्रभु ने तुझे अपनी महिमा के लिए माना, और यिर्मयाह को भी बोल रहा है उन सब के बीच में तुझे मेरी महिमा, मेरे वचन का तुझे प्रचार करना है। हालेलुया। तुझे रुणोको के लिए अब भी रोते रहना है, और ये एक और दो दिन नहीं 70 वर्ष पूरे होने के बाद में मैं तेरी स्तुति करूंगा। जब तू परमेश्वर की इच्छा पूरा कर लेगा ना, वो 70 साल लगे चाहे 140 साल लगे, तब तेरा इच्छा पूरा होगा। तो 70 सालों में तुझे मेरी इच्छा पूरा करूंगा। तेरे जीवन कितना दिन का है देख ले, इन 70 सालों में तुझे परमेश्वर की इच्छा पूरा। और मालूम है जिस चंगाई जिस छुटकारा जिस आशीष के बारे में सोच रहे हैं ना, तो 70 साल जब हमारे पृथ्वी का जीवन समाप्त हो जाएगा, जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, तो बाइबल बताती है वहाँ कोई शोक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, वहाँ केवल आनंद ही आनंद। तो आज यहाँ की एक दिन की बीमारी के लिए चंगाई का सोच रखा है वो परमेश्वर, तुझे आनंद काल तक चंगाई देने का सोच रखा है। समझ आ रहा है? हालेलुया है। अपने दर्द और तकलीफों में कष्टों और क्लेश में रहकर मसीह की आराधना करना सीखिए। पौलुस और सिलास को 39 कोड़ी मारा गया था, लोगों को लूका भी साथ में था, कई सारे लोग था, और बंदी गृह में डाल दिया गया उन लोगों को। लेकिन रात के आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास दर्द और पीड़ा में हाथ पैर जंजीरों से बंधा हुआ है, लेकिन वो लोग कर क्या रहा था? वो लोग आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। एक बंदी गृह में बंद है लोग, हमारे मजाक उड़ाएगा नहीं बोल रहे, अरे दरोगा क्या समझेगा नहीं बोल रहे। जब उस जगह में उस लोगों ने परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर की महिमा दिया ना, तो दरोगा को भी पता चल गया उनका परमेश्वर। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं ना, जब हम प्रार्थना करते हैं, दर्द और पीड़ा में तकलीफ पैदा कर प्रभु को महिमा देते हैं, उस जगह में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होता है। जब वो लोग आराधना किए ना, तो हाथ का जंजीर खुल गया, लेकिन उनके घाव नहीं भरा, उनके शरीर का बीमारी चंगा नहीं हुआ, बस जंजीर खोल दिया। और मालूम है हालेलुया हालेलुया पौलुस और सिलास के दर्द और पीड़ा से बढ़कर दारोगा का दर्द ठीक होने लगा। परमेश्वर के लोगों, तेरा दर्द ठीक होने से बढ़कर और भी बहुत सारे लोग उससे ज्यादा दर्द और पीड़ा में, उनको कौन ठीक करेगा? पौलुस और सिलास के दर्द को प्रभु नहीं देख रहा है, देख रहा था, लेकिन वो खुद ही नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उससे बड़ा दरोगा और उसका परिवार प्रभु ने ऐसा नहीं पौलुस और सिलास के बारे में नहीं सोचा, सोचा है उनके लिए, लेकिन बोलता है तेरी छपा के थोड़ा। पौलुस और सिलास दर्द और पीड़ा में तकलीफों में रहकर नाच नाच कर कूद कूद कर मल में हालेलुया ताली नहीं बज रहे हाथ और पैर जंजीरों से बंधे जिसके कारण, लेकिन फिर भी मसीह की आराधना प्रार्थना कर रहे हैं। आज हमारे हाथ पैर खुले होने के बावजूद भी हमारी आराधना करने के लिए हाथ से ताली नहीं निकल रहा है। हालेलुया। हमारा मुंह खुला हुआ है, मार नहीं खाए, फिर भी मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। आज कब देंगे आप प्रभु के लिए, कब करेंगे प्रभु की आराधना? प्रभु की इच्छा है कि आप प्रभु की आराधना कैसे आराधना करना है निकालनी पड़ेगी। इस विषय के बारे में 5:17 से पढ़िए। इस 5:17 से पढ़िए। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, देखो सच्चाई को जानने के बाद निर्बुद्धि नहीं बनना,
वचन सुनने के बावजूद परमेश्वर की आवाज आपके कान में जाने के बावजूद भी निर्बुद्धि नहीं बनना। हाँ आगे, पर ध्यान से समझो, परंतु अपने दुख में, अपने कमी में, अपने घटी में, आलले लोग जब तेरी निंदा और बुराई करता है, इसमें ध्यान से समझो, समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इस दशा में देखो और जानो कि प्रभु की इच्छा आपके प्रति क्या है। हालेलुया। जीवन में घटी हो गया, दर दर पीड़ा आ गया, तकलीफ आ गया, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करा रहा है, कोई मतलब नहीं हो रहा है, तो प्रभु से पूछना चाहिए और समझना चाहिए कि प्रभु इस दशा में अब तेरी इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अपनी आप को झांको कि और प्रभु को पूछो कि प्रभु मेरे जीवन की शैली में हालेलुया तेरी इच्छा क्या है। और आगे कहता है, आगे दाखरस से मत वाले ना बनो। पौलुस उन लोगों को परमेश्वर की इच्छा बता रहा है, क्या है मालूम है? प्रभु कहता है दाखरस से मत वाले, परमेश्वर के लोगों दाखरस से मत वाले मत बनिए। समझ आ रहा है? हालेलुया। कई प्रकार के मत वालेपन पाए जाते हैं आजकल कलीसिया में, एक साथ में पीने खाने वाले। अभी भी कितने लोग नशा को नहीं छोड़े, कई लोग मंजर मारते हैं तो कई लोग खैनी तंबाकू दबाते हैं। अभी भी कलीसिया के अंदर दाखरस से मत वाले, मतलब कितने ज्यादा नशा कोई से मत वालेपन भी। और दूसरा संसार में दूसरा गे लोग मत वाले पने, घूमने फिरने वाला मत वाला। सच्चाई को जानने के बावजूद भी प्रभु के पास बैठने के लिए समय नहीं, दिन भर घूम घूम के काट देगा, वो एक मत वाला पन। तीसरा एक मत वाला पन है मालूम है, जो मोबाइल टीवी सीरियल में व्यस्त रहते हैं। वो टीवी सीरियल में क्या है? मत वाला पन। और चौथा एक मत वाला पन है मालूम है, घर में रहेगा जरूर लेकिन दिन भर बेड में रहेगा, प्रार्थना करने के लिए कभी बाइबल। हालेलुया। बाइबल। हालेलुया। और एक और मत वाला पन है मालूम है, ये दाखरस से पहले समय में जो दाख का रस निकाला जाते थे ना, वो दाख का रस को ज्यादा पीने से क्या हो जाता था? नशा हो जाता था। कई बार लोग ज्यादा ज्ञान बढ़ गया ना लोगों का, वचन सुन सुन के तो मालूम है खमन में आ गया। अरे आप हमसे तो ज्यादा वचन जानने वाला कोई नहीं, हम बहुत वचन जान लेते। ये भी क्या है? मत वाला पन। यही मत वाला पन में लूसीफर था। मेरे को ज्यादा ज्ञान हो गया है, ज्यादा सामर्थ आ गया है, चलता हूँ वाद यंत्र बजता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए ऐसा यहाँ में आवाज है मन जो कलीसिया के लिए की संदेश दिया, जो मत के चलने वाले लोग है ना, पहनने रहने वाले, हाँ मालूम है कीप टॉपर आने वाले, उनको बोलता है प्रभु उनको आने वाले दिन में कब्जा करेगा, लाचित करेगा। परमेश्वर के लोगों दाखरस से मत वाले मत बनिए, टीवी सीरियल में मत लगे रहिए, नशाखोरी में अपने जीवन को मत व्यतीत करते रहिए। हालेलुया। दुनिया में घूमते फिरते मत रहिए। समझ आ गया? घर में है तो बेटी में मत पड़े रहिए, उठो प्रार्थना करो। प्रभु का वचन कहता है उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। जब तक तू उठेगा नहीं तेरा प्रकाश तेरे ऊपर उदय नहीं होगा। जब तक तू बेड से नीचे आकर तेरा घुटना प्रभु के सामने टिकेगा नहीं, तब तक तेरा मेरे ऊपर प्रकाश उदय होने वाला नहीं। प्रभु बोलते हैं उठ और प्रकाश मानो, प्रकाश आया हुआ है। प्रभु कहता है जा दो या तीन मेरे नाम लेकर इकट्ठे होते उसके मध्य में मैं आया था। प्रभु हमारे बीच में आ जाए। कितने लोग आज उठने के लिए तैयार है? कितने लोग आज उठने के लिए तैयार है? कितने लोग प्रभु की आराधना करने के लिए उठने के लिए तैयार है? कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करने के लिए उठने के लिए तैयार है? कितने लोग अपनी निर्बलताओं में प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार है? कितने लोग हालेलुया उठकर हालेलुया अपनी कमी में घाटी में हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना महिमा करने के लिए तैयार है? प्रभु कहता है दाखरस से मत वाले नहीं, तेरे उठने का समय उठो, दाखरस से मत वाले ना बनो। पर आगे
डाकरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, लुचपन होता है, इससे तकलीफें बढ़ता है, समस्याएं बढ़ते हैं। आगे पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या करो, हमारा परमेश्वर आत्मा है और अवश्य ही उसकी आराधना करने वाला क्या करे, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करे। परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करना है तो बाइबल बताती है परमेश्वर के लोग आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए। जैसे पढ़े वैसे मत पढ़े रहिए। कितना दिन हो गए आराधना करते, अभी तक मालूम है आज से ठीक से ताली नहीं बज रही। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया हमको प्रभु में, अभी तक मालूम है पहले भी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों मालूम है, प्रभु की इच्छा है कि मेरा अनुग्रह इनके ऊपर में है, लेकिन फिर भी चल गई। हमारे जवान आज अच्छे हैं लेकिन आराधना करने के लिए वो नहीं, हमारी हालात आज अच्छा है फिर भी प्रार्थना करने के लिए समय नहीं। आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए और आगे क्या करना है, और आपस में भजन और स्तुति गान, भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आत्मा में परमेश्वर की आराधना करो। आगे और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। क्या करो, जब काम करने के लिए जाता है ना तो तेरे मन में मसीह का वचन, मसीह की आराधना होना चाहिए, मसीह के गीतों को मन में गाना चाहिए। तू काम करने के लिए जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, यात्रा कर रहा है, हालेलुया कुछ भी कर रहा है, तेरे मन के अंदर में बुरी बातें नहीं, तेरे मन के अंदर प्रभु की आराधना होना चाहिए। आत्मिक गीतों को गाने के लिए अपने दुख में, अपने कष्ट में, अपने क्लेश में, तेरे निराशा की अवस्था में, तेरे दुख और तेरे निर्बलताओं की अवस्था में, तेरे मन में ये बात नहीं गुनगुनाना चाहिए, प्रभु मेरा स्तुति नहीं ले रहा है, मुझे चंगा नहीं कर रहा है, छुटकारा नहीं दे रहा है, नहीं मालूम है मन ही मन परमेश्वर की आराधना करो। आत्मा में आराधना करो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आज परमेश्वर की कलीसिया आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। Amen. तुझे डाकरस से मतवाले पन में देखना नहीं चाहता है परमेश्वर, तुझे निर्बुद्धि बनते हुए देखना नहीं चाहता है, परंतु तेरे निंदा करने वाले के बीच में तेरा स्तुति लेकर परमेश्वर उन्हीं के बीच में तुझे उठाना चाहता है। समझ आ रहा है, तुझे कब उठाएगा, जब तू आत्मा में परिपूर्ण होकर आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करेगा, जब तू प्रभु की महिमा करेगा हर जगह में, तू प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएगा और जहां यही है प्रभु की इच्छा, प्रभु की महिमा देना उसकी आराधना, और जो प्रभु को महिमा देता है उसकी आराधना करता है आत्मा में परिपूर्ण, ऐसे लोगों के लिए प्रभु काम करता है। हालेलुया। लेकिन हम आज अपनी इच्छा में चल रहे हैं, हमको चंगाई चाहिए चाची में जाकर। हालेलुया। जब तू सबसे पहला प्रभु की इच्छा, प्रभु की आराधना करेगा, उसकी इच्छा को पूरा करेगा, तब प्रभु आगे क्या करते हैं पड़ेगा, यशायाह 58 अध्याय और उसका पड़ेगा 8। तब तेरा प्रकाश, जब सबसे पहला तू परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर लेगा, तब तेरा प्रकाश जो परमेश्वर का वचन है, पौ फटने के समान चमकेगा, तब तेरे जीवन में परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा। और ये प्रकाश साधारण नहीं है, जब मलाकी की पुस्तक में पढ़ोगे तो लिखा है तुम्हारे लिए धर्म का वो सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से तुम चमकित हो जाओगे। पहले जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरा करोगे, परमेश्वर की आराधना करोगे, आपके ऊपर में एक परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा। और तू शीघ्र चंगा, और जब प्रकाश तेरे ऊपर पड़ेगा ना, तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश में सामर्थ्य है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले लोगों के जीवन में अंधकार नहीं, परमेश्वर का प्रकाश उसके ऊपर में आता है। हालेलुया। और प्रकाश में इतना समर्थ है, बाइबल बताती है जब तू परमेश्वर की इच्छा पूरा करेगा, वो प्रकाश तेरे ऊपर आएगा, वो सबसे पहले तेरे अंधकार को दूर करेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। 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 तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, और प्रभु तेरे को छोड़ नहीं देगा तकलीफों में, वो धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। और आगे यहोवा का तेज, और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते, तेरी रक्षा करेगा, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो मार्गों में भी तेरी रक्षा करे। हालेलुया। हालेलुया। आगे
तब तू पुकारेगा, तब उसके बाद तू प्रार्थना करेगा, और यहोवा उत्तर देगा। समझ आ रहा है? पहले परमेश्वर की इच्छा पूरा करो, फिर छोटा सा भी प्रार्थना करोगे ना, पूरा उत्तर आता है। जब एलिय्याह परमेश्वर की इच्छा पूरा किया, एक बार बोल दिया, प्रभु आज तेरे नाम की महिमा इस स्थान में प्रकट कर, आग उतर गई उसी क्षण। हालेलुया। जहां परमेश्वर की इच्छा पूरा किया गया, वहां दो मिनट की प्रार्थना मानो है लोगों की आंखों देखा ऐसा सामर्थ प्रकट किया है जो लोगों ने कभी देखा नहीं। समझा? लेकिन उसके पहले वो लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी की। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के बाद, हालेलुया, हमको बीमारी के लिए वो मानो है घंटों घंटा प्रार्थना करना नहीं पड़ेगा, दो मिनट प्रार्थना करो छुटकारा मिलेगा। समझा? हालेलुया। आज घंटों घंटा प्रार्थना करते करवाते हैं बाप मानो भाई हजारों पास्टर से, फिर भी कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अभी तक तेरा हालत क्या है। अभी तक अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा में जिया नहीं। आज हम परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को जीने वाले हो जाए। हालेलुया। तब तू पुकारेगा और क्या करेगा? और यहोवा उत्तर देगा। यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। और जब भी तू पुकारेगा ना बेटा, मैं तो यहाँ हूँ। हालेलुया। अब उसका सीधा पड़ेगा 11 बजे, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। और जब तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा, परमेश्वर के लोगों, दर्द हो, तकलीफ हो, समस्या हो, चिंता नहीं करना, कौन मुझे संभालेगा, कौन मुझे लेकर चलेगा, तेरा लेकर चलने वाला स्वयं यहोवा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। वो कहता है यहोवा तुझे लगातार क्या करेगा, लिए चलेगा। वो परमेश्वर जो है आपकी अगुवाई करेगा, वो तुझे तेरे हाथ को पकड़ कर लिए चलेगा। समझ आ रहा है? कहता है जब तू नदी में होकर चलेगा ना, वो तुझे डुबाने से सकेगा, क्योंकि तेरा तुझे लेकर चलने वाला कौन है मालूम है? परमेश्वर है। जब तू आग के बीच में होकर चले ना, उसकी लाव नहीं लगेगा, क्योंकि तुझे लेकर चलने वाला कौन है? आग के भट्ठे में आलाले सतरत में से कभी द्रगों के लिए प्रभु थे, जिसके कारण उनका लव उसका आज भी लोगों के जर में नहीं लगा। क्यों? उनको लिए चलने वाला कौन था? स्वयं परमेश्वर। और कहता है जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हैं, कहता है यहोवा तुझे लगातार ये चलेगा, और अकाल के समय तुझे तृप्त, जब तेरे जीवन में घाटी भी हो जाएगा ना, जब घाटी में तू परमेश्वर की इच्छा पूरा कर किया रहेगा, तो प्रभु कहता है अकाल के समय, तेरे घाटी के समय वो प्रभु तेरे लिए क्या करेगा? तृप्त करेगा। समझ आ रहा है? जब हम घाटी में प्रभु के लिए तैयार रहते ना, उसको महिमा देने के लिए, वो प्रभु फिर से जब दोबारा आता है ना, हमको तृप्त करता है। एक समय था जब सारपत का विधवा भूख रही, लेकिन दूसरे समय में उसको प्रभु ने तृप्त कर दिया है। तेरे कमी घटी में जब तू प्रभु की इच्छा पूरा करेगा ना, प्रभु तुझे छोड़ेगा नहीं, तेरे अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा। आगे, और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तेरी हड्डियों को क्या करेगा? हरी भरी करेगा। आज क्या है तेरी हड्डियां? हालत शरीर रहने के बावजूद भी कुछ काम करने लायक नहीं है, लेकिन तू परमेश्वर की इच्छा पूरा कर, तेरी हड्डियों को पुष्ट बनाने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है वो तेरी हड्डियों को पुष्ट पुष्ट बनाएगा। वो प्रभु का वचन कहता है वो तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, वो तरो ताजगी में ले आएगा, मालूम है वो प्रभु तुझे चंगा करेगा तेरी हड्डियों को। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज मालूम है परमेश्वर की सेवा करता हूँ, तो मैं हिम्मत के साथ इस बात को बोलता हूँ कि मालूम है मैं कम खाना खाता हूँ या फिर ज्यादा खाना खाता हूँ, इसका मेरे मालूम है मेरे सेहत में कोई प्रभाव नहीं। इतने लोग सोचते हैं मालूम है, अरे ये खाना पीना तो मेंटेनेंस करके खाता नहीं, इसके लिए इसका शरीर क्या तंदुरुस्त है, अच्छा है। कि मैं बताऊँ मेरा खाना पीना से मतलब नहीं। हालेलुया। मैं कम खाता हूँ या ज्यादा खाता हूँ, इससे मेरा शरीर प्रभाव नहीं, लेकिन मेरा प्रभु मेरी हड्डियों को हरी भरी करता है। Yes, Lord. क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को देखा, मैं इस बातों को अपने जीवन में झांका है कि मेरे जीवन के प्रति परमेश्वर की इच्छाएं क्या है, और मेरे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हालेलुया अपना तन मन लगा दिया। इसलिए मालूम है हालेलुया,
मैं खाना भी नहीं खाता ना तो मेरे को प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे हड्डियों को पुष्ट करने वाला मेरा प्रभु मेरे साथ। फास्टिंग अलग बात है, फास्टिंग रहो चाहे ना रहो, हम कई बार हम खाना भी नहीं मिलता ना तो चिंता करने की जरूरत नहीं। हालेलुया, वो परमेश्वर हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी इच्छाओं को हम जब पूरा करते हैं ना, बाइबल बताती है हमारी हड्डियों को हरी भरी कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे, और तो सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो बाइबल बताती है वो परमेश्वर हमको सींची हुई बारी के समान बनाएगा जिसका सोते का जल कभी सूखता नहीं है। समझ आ रहा है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले के जीवन में कभी आशीषों का घटी नहीं होता है, कभी जल का घटी नहीं होता है, प्रभु के अनुग्रह और आशीषों का घटी नहीं होता है, परंतु मन में हमेशा परमेश्वर उसके जीवन में पाए जाने वाले जल को सूखने नहीं देता है, परंतु इतना बढ़ाता है। वो पहले तो टकरों तक रहता है, बाद में घुटनों में आता है, घुटनों में ही नहीं रहता, वो कमर तक आता है और एक ऐसे में लेके जाता है के हालेलुया परमेश्वर के उस जल के अंदर तैरना चालू कर देता है। परमेश्वर के लोगों, यदि आप परमेश्वर की इच्छा पूरा करोगे, आपके पास जो परमेश्वर की सामर्थ है, जो परमेश्वर की आशीष है, वो टखनों तक नहीं रहेगा, उसमें आप तैरने लगोगे। आज जिसमें मालूम है बहुत सारे अंडे, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे मछलियां जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाले साधारण अवस्था में नहीं रहता है, उसका जल कभी नहीं सूखता है, परंतु परमेश्वर उसको बढ़ाता ही जाता है। आज क्या है, आज हमारी दशा परमेश्वर के लोगों, आज हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, वो परमेश्वर तेरे जल को सूखने ना देगा, तेरे हड्डियों को कमजोर बनने नहीं देगा, वो तुझे पुष्ट बना करके रखेगा, क्योंकि मालूम है वो प्रभु बोलेगा मेरे बेटे ने मेरी इच्छा पूरा किया है, मेरी बेटी ने मेरी इच्छा को पूरा किया है, इसलिए मालूम है उसको संभालना लोगों का काम नहीं, मेरा काम है। हालेलुया, आज परमेश्वर की आवाज आपके लिए है। वो कहता मेरे बेटे और बेटी, यिर्मयाह जैसे तकलीफों में था, आज वैसे ही समस्या तेरे पास भी होगा। यिर्मयाह के लिए एक आवाज आया कि बेटा इस दशा में तुझे सबसे पहला मेरी इच्छा को पूरा करना है, और यिर्मयाह पूरा किया, तब परमेश्वर ने इसकी सिद्धि किया। और हालेलुया परमेश्वर के लोगों, यदि आज आप परमेश्वर की इच्छा को देखकर अपने जीवन की विपरीत परिस्थिति में आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, वो परमेश्वर अंत में आपकी आशा को पूरा करेगा। आप पूरा करेगा ना तो मालूम है आपकी इच्छा में नहीं, आपके सोच विचार से बढ़कर काम करेगा परमेश्वर। आज अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, प्रभु मैं बीमार रहूं, मैं घटी में रहूं, मैं तकलीफ में रहूं, चाहे मेरी हालात उस मरने लायक क्यों हो जाए, मैं मरते दम तक तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। और जब हम प्रभु की इच्छा पूरा करेंगे ना, तो याद रखना प्रभु ने जो कुछ वायदे आपके और मेरे लिए किया है, वो कहता है मैं तेरी सुधि लेकर वो सारे वायदे पूरा करूंगा। समझ रहा है, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने वाला लोगों को परमेश्वर कभी हालेलुया निराश होने नहीं देता है, उसकी सुधि लेता है। यदि आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं, जब समय पूरा होगा वो परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, आपको सींची हुई बारी की तरह बनाएगा जिसमें कसूते का जल कभी सूखेगा नहीं, परमेश्वर तेरे जीवन में कभी आशीष का घटी नहीं होने देगा, और परमेश्वर तुझे बहुत ऐसे आशीषों से भरेगा कब, जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करेंगे। आज यहोवा की हमारी ऐसी है, यही है वो, उसने जो कुछ सोचा है हमारे भलाई के लिए सोचा है। और प्रभु कहता है मेरे बेटे और बेटी, इस तेरी हानि के समय में जब तू सोच रहे है मेरे जीवन में जो कुछ घट रहा है मेरी हानि के लिए नहीं है, हानि के लिए है, तो प्रभु कहता है बेटा तू ये हानि के लिए नहीं, तेरी कुशलता के लिए, बस इस दशा में तुझे मेरी इच्छा पूरा। जब हम प्रभु की इच्छा पूरा करेंगे वो परमेश्वर तुझे लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरा भरा करेगा, और मालूम है हालेलुया तुझे सींची हुई बारी की तरह बनाएगा जिसमें तक जल कभी सूखेगा, उस आत्मा के जल में तू आत्मा की उस नदी में हमेशा तैरता रहेगा, वो कभी भी सूखने नहीं पाएगा। परमेश्वर के लोगों, आज हम प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए तैयार हैं, अपने स्थान में खड़े हो जाएं।
अपनी आंखों को बंद करें और आज एक निर्णय लें। आज देखिए अपने जीवन को सबसे पहला झांकी आप कौन से दशा में, हर एक जज अपने स्थान में खड़े होगा।